हो कुछ भी हो ना, वो गया, कोई फेल भी हो गया तो वो गया। अब वो दुखी होगा, डिप्रेशन में आएगा, लड़ाई करेगा, सुसाइड करेगा, तो भी पास नहीं होगा। यस नो? भूतकाल डेड बॉडी है, गया। भविष्य ऐसा बच्चा है जिसने जन्म नहीं लिया, उसकी क्या प्लानिंग करोगे आप? आपके हाथ में जिंदगी जीने के लिए पल है। यस, भविष्य की योजना जरूर बना लीजिए आप। जैसे एक विद्यार्थी सोचता है मुझे 90% लाना है, वो भविष्य का प्लानिंग है उसका, पर वो 90% लाने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। वो पास्ट में करेगा या फ्यूचर में? वर्तमान में, है ना। आपको कुछ भी पाना हो वर्तमान में ही आप मेहनत करके पा सकते हैं। ऐसे करो, वर्तमान में जिए, वर्तमान में जिए, जिएंगे वर्तमान में। यस यस यस। पता है, एक डांट पड़ जाए ना, चार दिन का वर्तमान साइड पर हो जाता है। प्रैक्टिकल चीज देखो, अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन वहां बाहर निकलते एक झटका आ गया, गया वर्तमान। यस नो? यस। इसको समझना पड़ेगा, तरीका क्या है। मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ कि हम सब लोग ज्ञानी लोग बैठे हैं, सब जगह ज्ञानी लोग ही हैं, सबको पता है टेंशन लेना चाहिए कि नहीं, नहीं। डिप्रेशन आना चाहिए कि नहीं, नहीं। गुस्सा होना चाहिए कि नहीं, नहीं। निगेटिव सोच रखनी चाहिए कि नहीं, सबको पता है। नहीं, ये ज्ञान सबको है, पर आप मुझे पता है ये सारा नॉलेज का यूज आप अपने जीवन में करते हैं या पड़ोसी के? पड़ोसी वही गड़बड़े है। किसी को डिप्रेशन, अरे चिंता मत कर सब ठीक हो जाएगा, खुद डिप्रेशन में आता है ऐसे हो जाएगा। ऐसे करो आप बोलो, हम ज्ञान को, ज्ञान को सप्लाई ज्यादा, सप्लाई ज्यादा, अप्लाई कम करते हैं, अप्लाई कम करते हैं। यस यस। अब मैं आपको एप्लीकेशन लेवल पर ला रहा हूँ। तरीका पूछना जरूरी है कि चलो ये मान लिया वर्तमान में खुशी है, टेंशन नहीं होता है वर्तमान में, लेकिन आए कैसे? तो अब आप एक चीज देखिए, आपके शरीर में ऐसी कौन सी चीज है जो हरदम वर्तमान में चलती है? दिमाग तो इधर उधर भाग जाता है। श्वास, वेरी गुड, ताली बजाओ। सांस, आपकी सांस वर्तमान में चलती है। आप कितना ही बोल दो कल ऑपरेशन में जाना है, बहुत बिजी हूँ, कल का सांस अभी ले लूँ, नहीं चलेगा। या कल सांस लेना ही भूल गया, अभी 4-5 होते हैं, नहीं चलेगा। हर पल चलती है सांस। यस यस। आपको एक चीज बताएं, मन के स्तर पर मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अगर आप मन को बोलेंगे ना कि बहुत विचार आ रहे हैं भूतकाल के, भूल जा, मत याद कर, वर्तमान में आ, वर्तमान में आ, आपके विचार बढ़ जाएंगे। कितने लोग मानते हैं? मन का क्या स्वभाव है? ऐसे करो आप मेरे साथ बोलो, वॉट एवर यू रेजिस्ट इट विल परसिस्ट। मन को जितना रोकेंगे मन उतना भागेगा, मानते हो? तो आज से ये रास्ता छोड़ देना है। जैसे एक काम करते हैं, प्रयोग कराते हैं आपको, ठीक है? जैसे हम सब अभी ध्यान करेंगे आंखें बंद करके, लेकिन ध्यान में एक नियम है, दुनिया का कोई भी विचार आने देना, सिर्फ एक विचार बिल्कुल नहीं आने देना। एक काले मुंह वाला बंदर आपके सामने नाच रहा है, आंखें बंद करो तो नाचता हुआ बंदर नहीं दिखना चाहिए, उसका विचार आना ही नहीं चाहिए, और उसने लाल टोपी पहनी हो तो बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। क्या होगा? वही आएगा। क्यों आएगा भाई? मैंने मना किया। किसको मना किया? नहीं, बंदर को मना नहीं किया, आपके मन को मना किया, उसको बेचारा नाच रहा है ना। अब मैं आपके मन को मना कर रहा हूँ, मत सोच, फिर भी सोच रहा है। आपने अब तक के जीवन में कितनी बार अपने मन को मना किया है, भूलने की कोशिश कर यार, मत याद कर, मत याद कर, वो ज्यादा याद आता गया, पिक्चर की तरह चलता गया। यस नो? इसलिए आज से ये रास्ता छोड़ना, अगर आप वर्तमान में आना चाहते हो, मन को फोर्स नहीं करना है। आ रहा है, आने दो विचार, पहला नहीं। सेकेंड, जैसे पतंग को कंट्रोल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? डोर मांझे की। यस, इसी तरह मन रूपी पतंग को कंट्रोल करने के लिए श्वास रूपी डोर चाहिए। तो सांस से ही आप मन को स्थिर कर पाएंगे। यस, अब वो कैसे कर पाते हैं सांस से, वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले श्वास से, श्वास की प्रक्रियाओं से, एक तो माइंड वर्तमान में आ जाता है, पहला बेनिफिट। दूसरा, एनर्जी डाउन है, अभी जो टेक्निक कराएंगे आपको, एक ब्रीदिंग टेक्निक है, बस तरीका वो सिखाएंगे। उससे जब आपको लगे ना मन ठीक नहीं है, आप पता है किसी को बोल भी नहीं पाते उस समय, कोई समझेगा भी नहीं, कोई सुनेगा वो भी हंसेगा, अरे इसमें क्या टेंशन लेने का। यस नो? आपके लिए बड़ी बात होगी। तो तुरंत एनर्जाइज कैसे होना है, उसके लिए आज हम ब्रीदिंग टेक्निक सीख रहे हैं, एक वर्तमान में आने के लिए सीख रहे हैं। ये जैसे ही होगा नींद अपने आप सही होने लगती है, ठीक है? तीसरा, श्वास की प्रक्रिया करने से क्या होता है आप जानते हो, हमारा जो भावनाएं होती है ना, इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाओं का भी सांस के साथ संबंध है। आपको कभी गुस्सा आता है क्या?
लोग अभी डेमो दे सके सकते हैं ऐसा लग रहा है। गुस्से में आप देखो आपकी सांस कैसे चलती है, तेज।